नहीं देखो कैसे है मालूम है, अभी ये बड़े बैनर के बड़े इंडस्ट्री वाले बड़े एक्टर लोग हैं, इन लोग खुद डिस्कस करके अपना करना चाहिए, आगे पीछे करना चाहिए था। लेकिन कैसा है, जिसको भी मुझे चाहिए, चाहे नाम पैसा शोहरत इज्जत जो भी कुछ हो, ये एक उनका दिमाग में फंडा रहता है। स्वागत है फाइनली, इंतजार ख़त्म होने वाली है, मात्र 15 दिन बचे हुए हैं ईद को, और ईद में आ रहे इस बार हमारे अजय देवगन, बोले तो सिंघम और सूर्यवंशी। क्या कहना चाहोगे, आपको हिसाब से क्या लगता है, आप कौन किस पे भारी होएगा, खिलाड़ी और सिंघम? जी हाँ, खिलाड़ी का भी मतलब वही होता है एक्शनबाज, और सिंघम भी एक्शनबाजी है वो भी जी। लेकिन अभी जो मास महाराजा अजय देवगन बोला जाता है, करेक्ट, विदाउट फ्लॉप फिल्म में चाहे कैसी भी हो, 100 करोड़ 200 करोड़ 100 करोड़ तो पार करती है, तो उसको मिडल बोलते ना, एक मिडल आदमी है, चलता है, आराम से चल रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है मैं गिरने का, कोई ठोकर लगने का, वैसा अजय देवगन का है, क्योंकि उसे पता है कि मैदान उसका नाम देखेगा पब्लिक आने वाली है, क्योंकि दृश्यम भी हिट हो गई, शैतान भी हो गई, उसके पहले भी उससे दिए थे 2-4 फिल्म, जितने फिल्में तो अच्छी फिल्म बिजनेस करती है उसकी, अजय देवगन ये पता है। और अभी ये होप करेंगे कि इसका स्टोरी तो ये है, कहानी इस तरह है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, 2-3 फिल्में हमारी आई थी स्पोर्ट्स के ऊपर, नहीं चली थी, लेकिन साउथ की एक विजय की फिल्म चली थी बिगल, हाँ, तो वो जो फुटबॉल पे थी वो, और लेकिन हम तो ये सोचते भाई इसमें भी ऐसे होना चाहिए, जिसको स्पोर्ट्स का जिसको इंटरेस्ट है ना, वो सभी आगे देखेंगे ये फिल्म को, सभी देखेंगे, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, और नॉर्मल पब्लिक अजय देवगन के लिए भी आएगी, क्योंकि अजय देवगन जैसा इमोशन एक्टिंग कोई नहीं कर सकता इस वक्त आप इंडस्ट्री में। मैं बोलता हूँ ना, अजय देवगन के बाद शाहरुख खान का नंबर है, जो डंकी में शाहरुख खान ने बुड्ढे का एक्टिंग किया था वो भी इमोशन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अजय देवगन के मुकाबले में नहीं है कोई भी। तो ये जैसा वो पोस्टर भी लगाया मैदान का, कि ऐसे ही इमोशन है, वो सब पूरे उनके घेराव करके रो रहे, तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा फिल्म। बड़े में छोटे में यार दोनों क्लेश हो रही है, क्या लगता है आपको कि ये इस पे क्लेश करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? नहीं देखो कैसा है मालूम है, अभी ये बड़े बैनर के बड़े इंडस्ट्री वाले बड़े एक्टर लोग हैं, इन लोग खुद डिस्कस करके अपना करना चाहिए, आगे पीछे करना चाहिए था। लेकिन कैसा है, जिसको भी मुझे चाहिए, चाहे नाम पैसा शोहरत इज्जत जो भी कुछ हो, ये एक उनका दिमाग में फंडा रहता है, कि वो तू तेरा होगा तेरा देख, मैं मेरा होगा मेरा देखूंगा, चाहे भले कितने शायद दोस्ती होगी उनके अंदर, चाहे अजय देवगन की, अक्षय कुमार की, जिनके भी इंडस्ट्री में किसी का दुश्मनी नहीं है, वो लोग सब अंदर जब पार्टी में जाते तो दोस्ती रहते, प्यार से रहते सब, लेकिन यहाँ पर पब्लिक अंदर क्लैश होता है ना, तो पब्लिक एक दूसरे को गाली देती है फोकड़ में, फैंस हाँ वो उसको गाली, अरे उसका ऐसा है, और उसका क्यों भाई क्यों दे रहे हो गाली, तुमको जो अच्छी लगी वो फिल्में देख लो, और लेकिन इतने बड़े एक्टर लोग को ऐसा मत बोलोगे ये ऐसा वो ऐसा, तुम्हें हक नहीं बोलने का, वो हाँ वो अपनी कला पेश कर रहा है, तुमको अच्छी लगी वो देखो, जैसा मैदान के बारे में भी है और अक्षय कुमार की फिल्म के बारे में बोलूँगा मैं, जो अच्छी पसंद है पब्लिक को वो देख ले, लेकिन देखने के पहले या देखने के बाद रिव्यू में ये मत बोलना कि अजय देवगन वैसा है और अक्षय कुमार ऐसा है, नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं होता उनको इस तरह बोलना है, यानी गलत बातें करने का, जज करने का, हाँ गलत बातें नहीं करना चाहिए, हाँ फिल्म देख के जज करो, जब रिव्यू दे दो ऑडियंस है तो अच्छी बोलो, खराब लगे हाँ खराब लगे उसको तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम देख कर आए उसके बाद में बोल सकते हो। हम तो होप करते हैं भाई दोनों की फिल्में चले और दोनों के फिल्मों का पैसा निकल आए, क्योंकि इन लोगों के बहुत 100-500 टेक्निकल हाथ होता है, जाहिर सी बात है दोनों फिल्में चलेगी तो बॉलीवुड की फिल्में चलेगी, हाँ बॉलीवुड की है। और रही बात ये ईद का, 2-4-5 दिन है ना वो चलनी है, ईद के अंदर ना जो भी पिक्चर लगी ना कोई फ्लॉप नहीं हुआ अब तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि सलमान की ज़्यादा पिक्चर चली थी तो 100 करोड़ तो हर इजी पार करती है, लेकिन अब वो खाली बड़े बजट की फिल्म का है उसका पता नहीं भाई, ऊपर वाला जानता है क्या होगा। चलिए आपसे पर्सनल सवाल कर ही लेते हैं, आप अगर दोनों रिलीज हो रही है तो आप कौन सा पहले देखोगे? देखो भाई एक दिन पहले जवाब दे दूंगा भाई, चाहे मैदान हो या ये हो, लेकिन दोनों फिल्में एक ही दिन में देखूंगा। क्या बात, हाँ दोनों फिल्में देखूंगा, क्योंकि भाई इमोशन अगर देखना मेरा दिल में आया तो मैं अजय देवगन देखूंगा, अगर एक्शन मूड में होगा मैं तो फिर मैं अक्षय कुमार देखूंगा। चलिए 1-2 दिन पहले रिलीज से मिलेंगे आपसे और एक्साइटमेंट वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू थैंक यू।